औद्योगिक नगरी पीथमपुर में 5 गांव के किसान पिछले 5 दिनों से सरकार द्वारा मल्टी लॉजिस्टिक मॉडल की भूमि अधिग्रहण करने के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं किसान अब आर पार की लड़ाई के मोड में नजर आ रहे हैं। सरकार और प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज किसान आज सड़क पर उतर आए हैं। वहीं भूमिहीन बनाने के विरोध में आज पीथमपुर के ग्राम बरदारी स्थित कालिका माता मंदिर से एसडीएम कार्यालय तक मौन पैदल यात्रा किसानों द्वारा निकाली गई। बड़ी संख्या में किसान महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। मौन पैदल मार्च के रूप में एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं इस यात्रा में किसानों के हाथों में चुनाव का बहिष्कार और जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे आदि नारों की तख्तियां लेकर किसान पैदल मार्च में दिखाई दिए। गौरतलब है कि पीथमपुर के करीब 5 गांव की भूमि मल्टी लॉजिस्टिक पार्क के लिए क्षेत्र के किसानों की करीब 125 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण किया गया है, जिसका मुआवजा सरकार द्वारा 12 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से दिया जाना है। वहीं किसानों का मानना है कि हमारी भूमि उपजाऊ है और बेशकीमती है और जिसका बाजार भाव आज करोड़ों रुपए प्रति बीघा है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो वह अनिश्चित काल तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। किसान पहुंचे थे और ज्ञापन दिया है, क्या उनकी मांगे हैं? ये अपने पीथमपुर स्थित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो बनाया जा रहा है, इसमें 4 गाँव की भूमि ली गई है, जिसमें खेड़ा, जामोदी, सागर और अकोलिया शामिल हैं। अवार्ड चूँकि पारित किया जा चुका है, जिससे किसान कहीं संतुष्ट नहीं थे, तो उस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो हमारे द्वारा शासन स्तर तक कलेक्टर महोदय द्वारा भेजा जाएगा और आदेश अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उसी संबंध में आज ये लोग यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया है। मैं जयेश प्रताप सिंह, तहसीलदार पीथमपुर। विगत पिछले 5 दिनों से हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे हमारे गांव में, पर शासन की तरफ से किसी ने भी हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करी। इसके तहत हमको मजबूरी में मौन जुलूस लेके आना पड़ा यहाँ पे, और हमने जो ज्ञापन बनाया था वो हमने कलेक्टर साहब के नाम बनाया था। कलेक्टर साहब को भी 3 दिन पहले सूचना दे दी गई थी, पर उन्होंने हमारा ज्ञापन जो है रिसीव नहीं किया है, तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पे हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। और हमारे जमीन अधिग्रहण के उपलक्ष्य में जो भी हमारी समस्याएं थी, हमने ज्ञापन के द्वारा उनको अवगत कराया है और उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। ऐसा नहीं करने पर समस्त किसान और क्षेत्रों के किसानों द्वारा विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। सभी पोलिंग बूथों पर एक भी वोट नहीं गिरने दिया जाएगा और ना वोट डालने जाया जाएगा। तो मेरा शासन से है आग्रह कि आप सभी किसानों की समस्याओं को सुने, और हम भी चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, हम उपद्रव करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी शासन हमारी जो है समस्याओं को हमारे गांव में हमारी चौपाल पे आकर हमसे संपर्क करके सुधारगत करे, अन्यथा हमारा इस भूमि अधिग्रहण कानून में जो अधिग्रहण हमारा किया जा रहा है इसमें हम सभी किसान असहमत हैं और मरते दम तक हम लड़ेंगे, पर हमारी ज़मीनें इनको नहीं देंगे। आपका नाम? अशोक रघुवंशी, कृषक, ग्राम जामोदी। बताइए अशोक जी, आप लगातार जो है किसानों के साथ डटे हुए हैं 5 दिनों से, और आज मौन जुलूस लेकर पहुंचे हैं किसानों का, क्या है पूरा मामला, आप क्या चाहते हैं? किसानों की भूमि अधिग्रहण मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हेतु पीथमपुर में हम लोग उस अधिग्रहण के विरोध में विगत 5 दिनों से धरना प्रदर्शन एवं मोर्चा लगाकर बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसानों की बात सुनी जाए। उसी संदर्भ में सरकार हमारी 5 दिनों से तो बात नहीं सुन रही थी, हमने आज आदर्श आचार संहिता को देखते हुए आज मौन यात्रा या मौन पैदल मार्च निकालने के साथ साथ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय तक आए थे। कलेक्टर साहब किसी कारण से उपस्थित नहीं थे, एसडीएम साहब भी नहीं थे, तो हमने तहसीलदार साहब को उनके बदले में ज्ञापन सौंपा है, और हमें ये उम्मीद है कलेक्टर साहब या सरकार या प्रशासन हम किसानों की बात सुने, हम लोगों से बातचीत करें, या फिर हमें हमारी बातें रखने के लिए उपयुक्त मौका प्रदान करें। अभी कुछ किसानों की तख्तियों पर लिखा मैंने देखा है जी, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? हमारा किसानों का केवल यही कहना है कि देश के विकास में अगर भूमि की ज़रूरत है तो हम उसको देने के लिए तैयार हैं। अगर हम देश को अन्न खिला सकते हैं किसान, तो देश के विकास में हम भूमि देने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन किसानों का गला काट कर
जय जवान जय किसान जय विज्ञान तो बोला जाता है, लेकिन उसी की ले लेते हैं हर बार जान। इसलिए हम बिल्कुल ही इस भूमि अधिग्रहण के विरोध में हैं, और इसके लिए हमारा पहला यह है कि आने वाला चुनाव जो कि कुछ ही दिनों में प्रस्तावित है, हम उसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। यह केवल मेरे या मेरे साथी गणों की नहीं, पूरे प्रदेश के किसानों के लिए या उनकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाती है तो उसके लिए हमें ही विरोध करना पड़ेगा, हमें ही प्रयास करने पड़ेंगे, कोई भी हमें लाके खुद ब खुद नहीं दे देगा। इसलिए हम इस बार के विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती या नहीं मानी जाती है। यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा, यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि अगर किसानों के हितों की बात सुनी जाती तो हम लोगों को आंदोलन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर किसानों की बात सुनी जा रही होती या फिर कानूनों का उपयुक्त पालन किया जाता है, कानूनों के लूप होल्स को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से उपयोग किया जा रहा है कि किसानों की ज़मीनों को हड़पा जाए, भूमाफिया और सरकार या प्रशासन में कुछ अंतर होना चाहिए। क्योंकि सरकार जिसको हम चुन के भेजते हैं, हम अब यह करेंगे कि किसान सरकार को चुनना बंद कर देंगे, हम हमारी सरकार किसान खुद चलाएंगे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है दिलीप राव खरात, मैं गांव जामुदी का एक किसान हूं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।